अच्छा जी, पहले मैं बात करना चाहती हूँ हेमरॉइड्स के बारे में। अब हेमरॉइड्स आपको क्या होते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग को, किसी को भी जो है वेन्स की स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको हेमरॉइड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब उसका मेजर रीज़न जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में क्योंकि बेबी का वेट ज़्यादा पड़ रहा होता है एंड यू गेट डेफिनेटली हार्ड स्टूल हो जाता है और डिफिकल्टी इन पूपिंग हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप स्ट्रेन बहुत ज़्यादा करते हो तो हेमरॉइड्स हो सकते हैं। एल्डर एज में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, वेरिसोस वेन्स, मैं ये साथ साथ ना सारी चीज़ों की पिक्चर्स भी थोड़ी सी लगा देती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। अब किसी को भी ऐसा कोई इशू है ना, जो बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, प्रेगनेंसीज हैं, नॉर्मल डिलीवरीज हैं, बेबी होने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रेन करना पड़ रहा है पूप करने के लिए, या एल्डरलीज को बहुत ज़्यादा हेमरॉइड्स हैं, बैठ के काम करते रहते हैं सारा दिन और कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं हर वक्त, तो उन लोगों को जो है हेमरॉइड्स का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अल्टीमेटली इट कैन लीड टू ब्लीडिंग। अब अगर किसी इंसान को बिल्कुल एक डेली फंक्शन है, नॉर्मल बॉडीली फंक्शन है पूप करना, और उसमें उनको शदीद पेन हो रही है, दे कांट सिट, दे कांट पूप, उसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल है, तो डेफिनेटली वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना डैमेज करता है। और अल्टीमेटली अगर इसको अनट्रीट रखा जाए, ज़्यादा अरसा इस चीज़ को ट्रीट ना हम करवाएं, तो उससे क्या होता है कि सर्जरी करवानी पड़ती है, एंड दैट इज़ लाइक डेफिनेटली वो तो एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे। सो यू कैन टेक दीज एंटी हेमरॉइड्स एनालॉन, ये नेचुरल रेमेडी है, प्रेगनेंसी सेफ भी है, बेबी होने के बाद पोस्टमार्टम में भी खवातीन यूज़ करना चाहती हैं तो बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं। एल्डरलीज हैं, अच्छा दिस इज़ शुगर फ्री, शुगर फ्री का मेजर रीज़न रखने का यही था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एल्डरलीज और डायबिटिक पेशेंट्स को हेमरॉइड्स का इशू होता है, तो वन टैबलेट अ डे से स्टार्ट करें, मेरी गारंटी दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रायल्स करवा के मैं ये यहाँ पे आके रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरे पास आई भी बहुत अरसे की थी, लेकिन वेबसाइट पे नहीं लग पा रही थी, तो बिल्कुल बहुत, वन टैबलेट अ डे यूज़ करें।